इन्वेंट्री वैल्यूएशन, तो पहले ये लिखते हैं जरा। तो पहले तो हम लिखते हैं इन्वेंट्री होती क्या है। राइट, तो इन राइट क्या लिखते हैं, इन्वेंट्री इंक्लूड्स एसेट्स हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, फिनिश वर्ड हो गई। एसेट्स इन द प्रोडक्शन प्रोसेस फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस यानी कि वर्क इन प्रोसेस, एंड मटेरियल्स एंड सप्लाइज दैट आर कंज्यूम्ड इन प्रोडक्शन रॉ मटेरियल। तो ये आपकी इन्वेंट्री होती है थ्री टाइप्स, ये लिख लें। इसके बाद फिर हम बात करते हैं इसकी वैल्यूएशन। ओके, ये इन्वेंट्री। अब हम बात करते हैं इस वैल्यूएशन की। तो वैल्यूएशन का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है, हमारा बेसिक रूल है, वो क्या होता है पहले इस पर बात करते हैं। इन्वेंट्री वैल्यूएशन का रूल क्या है हमारे, कि इन्वेंट्रीज आर रिक्वायर्ड टू बी स्टेटेड एट द लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल। ये स्टॉक वैल्यूएशन का फंडामेंटल प्रिंसिपल, इन्वेंट्रीज आर रिक्वायर्ड टू बी स्टेटेड एट द लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अच्छा, अब इसमें देखिए कह रहे हैं कि इन्वेंट्री को आपने वैल्यू करना है कॉस्ट और एनआरवी में से जो लोअर होगा उसमें। अच्छा, तो इसमें दो पॉइंट्स हैं, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री और एक है नेट रियलाइजेबल वैल्यू। इस पे बात करते हैं ये क्या होती है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री क्या होगी, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री जो आपकी, हाँ, परचेज प्राइस हो गई, जितने में आपने स्टॉक बाय किया वो तो हो गई आपकी कॉस्ट। अच्छा, अब ये नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होती है, एनआरवी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, नहीं स्क्रैप वैल्यू नहीं होती, नेट रियलाइजेबल यानी कि जब आप उस प्रोडक्ट को सेल करेंगे तो नेट आपको अमाउंट क्या मिलेगा, टोटल नेट क्या मिलेगा, टोटल ग्रॉस होता है, नेट प्रॉफिट भी नहीं है ये, बता। नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या है, एनआरवी क्या होती है, पहले से बात करते हैं। एनआरवी क्या है, इज द एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, ठीक है, सेलिंग प्राइस इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस लेस, सेलिंग प्राइस भी आपने लेस करना है प्रिंट डिस्काउंट, ऑल फर्दर कॉस्ट टू कंप्लीशन एंड मार्केटिंग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ये सब लेस करने के बाद जो बचेगी आपके पास वो कहलाएगी नेट रियलाइजेबल वैल्यू। फिनिश गुड्स की सेलिंग प्राइस की बात, हम बिटेल का लिखा है सेलिंग प्राइस की बात। लेस हाँ, सर, जो भी आपकी प्रोडक्ट है उसकी जो सेलिंग प्राइस है उसमें से ये सब चीजें लेस होंगी, उसके बाद जो बचेगी वो क्या रहती है आपकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू। स्क्रैप तो होती है ना, जब एसेट एक्सपायर हो जाता है उस वक्त जो सेल करते हैं, जब जैसे मशीन खरीदी 5 ईयर लाइफ थी, 5 ईयर के बाद आप उसको डिस्पोज करेंगे वो स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप हो गया वो, ये नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अब देखिए, आपने फर्ज करेंगे प्रोडक्ट आपने सेल की, क्या बता, जैसे सपोज कर लिए एग्जाम्पल है, उससे समझाता हूँ आपको। पहले से एनआरवी की बात करते हैं, पार्टी सब छोड़े, सेलिंग प्राइस है सपोज आपकी 1000 है। अच्छा, अब आपकी जो प्रोडक्ट थी आप सपोज कर लें रखे रखे डैमेज हो गई, तो उसे सेल करने के लिए रिपेयर करना पड़ेगा, या जो आपकी प्रोडक्ट थी रखे रखे वो आउटडेटेड हो गई, आउट ऑफ फैशन, तब उसको सेल करने के लिए थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा, मॉडिफिकेशन होगी, उसके बाद वो प्रोडक्ट आपकी सेल हो जाएगी, ठीक है। तो रिपेयरिंग या मॉडिफिकेशन में आपकी कॉस्ट आ रही है 200, इसके अलावा फिर सेलिंग एक्सपेंस है जिसमें एडवर्टाइजमेंट हो सकती है, मार्केटिंग हो सकती है, किसी एजेंट का कमीशन हो सकता है, ठीक है। अच्छा, ये आपके सेलिंग एक्सपेंस हो गए, माइनस किए तो आपको बचेगा क्या, 700। अब कहने को आपकी प्रोडक्ट सेल हो रही है 1000 की, लेकिन 1000 में सेल करने के लिए आपको ये दो एक्सपेंसेस का इनकर करना पड़ रहे हैं 300 के, तो नेट अमाउंट क्या मिलेगा आपको, 700। तो ये 700 क्या लाएगी आपकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू, कॉस्ट भी ये ड्यूटी पर रिपेयर पर सर नहीं कॉस्ट में क्या इंक्लूड होगी, ये ज्यादा ज्यादा नहीं लगा सर प्राइस होने दें, जरूरी नहीं है, जरूरी वो जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, हो भी सकता है लॉस होगा, सकता लॉस होगा इसमें, कहाँ लॉस हुआ। हाँ, अभी ठीक है, तो आप जैसे, हाँ, कॉस्ट कितनी थी 800, तो यहाँ पे लॉस हो रहा है, ठीक। सेकेंड एग्जाम्पल में देखें तो इसमें प्रॉफिट हो रहा है,
इक्वल, ठीक है, इसमें प्रॉफिट है 900 है ना, 100 का प्रॉफिट है आपका ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, हो सकता है बिल्कुल लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा तो एनआरवी को देखा मैंने, यहाँ फॉर्मूले के फॉर्म में भी लिख दिया तो जरा आसान रहेगा कि सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेंसेस नेसेसरी टू मेक सेल, ठीक है, तो प्रोडक्ट सेल करने के लिए जो नेसेसरी एक्सपेंसेस है वो सब माइनस होंगे तो आपके पास एनआरवी आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ये तो हो गई एनआरवी और कॉस्ट, तो आपको पता है परचेस प्राइस होती है। अच्छा अब इस रूल पे बात करते हैं, करना समझ ले अब। अच्छा अब ये तो हो गई एनआरवी क्लियर, कॉस्ट आपको क्लियर हो गई, अब आते हैं इस रूल पे। अब ये रूल हमारा प्रिंसिपल क्या है कि इन्वेंट्रीज आर रिक्वायर्ड टू बी स्टेटेड एट द लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल। अच्छा भाई लोअर पे क्यों कह रहे हैं, हायर पे क्यों नहीं, लोअर पे वैल्यू क्यों करें, हायर पे क्यों ना करें, मतलब वो कह रहे हैं कि आपने एसेट जो भी आपका स्टॉक है उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करें आप, उसके बाद उसकी एनआरवी कैलकुलेट करें, दोनों में से जो लोअर होगा उस पे आपने अपना स्टॉक रिकॉर्ड करना, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक जो है वो लोअर पे लेंगे। अच्छा लोअर पे क्यों, हायर पे क्यों नहीं, अब पॉइंट ये है ना, लोअर पे क्यों लेना है, हायर पे क्यों नहीं लेना, सही है। अच्छा तो इस पर बात करते हैं इसकी रीजन क्या है। अब ये एक एग्जाम्पल है पहले वाली, देख कॉस्ट है कितनी, 800, 800 कॉस्ट है हमारी और एनआरवी आ रही है 700। इसको मतलब जब ये प्रोडक्ट हमारी सेल होगी तो हमें 100 का लॉस होगा, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल अब देखिए, कॉस्ट 800 है, एनआरवी कितनी है 900, तो जब ये प्रोडक्ट सेल होगी तो हमें 100 का प्रॉफिट, सही है, एक केस में पहले एग्जाम्पल में लॉस है, सेकेंड एग्जाम्पल में प्रॉफिट, ठीक। अच्छा आपको याद है वो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट याद है, बैडेट से पढ़ा था हमने, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं, कि लॉस एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो फॉरन रिकॉर्ड कर रहे हैं और गेन एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वेट करेंगे जब तक कि वो रियलाइज ना हो जाए, तो यहाँ भी रीजन वही है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, लोअर पे लेने की रीजन क्या, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। तो देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल में लॉस एक्सपेक्टेड है, 100 का लॉस एक्सपेक्टेड है ना, ठीक है, तो प्रूडेंस क्या कहता है कि लॉस एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो फॉरन रिकॉर्ड कर लें, इसलिए इन्वेंट्री हम रिकॉर्ड करेंगे 700 पर। सेकंड में गेन एक्सपेक्टेड है तो प्रूडेंस कहता है कि गेन जब तक रियलाइज ना हो जाए उसे रिकॉर्ड ना करें, इसलिए हम इसको फिर 900 पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे बल्कि 800 पर रिकॉर्ड, लोअर साइड पे जाए, ठीक है। तो लोअर पे जाने की रीजन क्या होगी, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। जी अच्छा फर्स्ट एग्जाम्पल में इस क्लोजिंग स्टॉक आप रिकॉर्ड करेंगे 700 पे, सेकेंड एग्जाम्पल में क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड होगा 800, लोअर साइड पे जाएंगे, हायर पे नहीं। अच्छा अब ये लोअर पे रिकॉर्ड करने से लॉस कैसे रिकॉर्ड हो जाएगा, या लॉस को अलग से रिकॉर्ड करना पड़ेगा, अभी बताएं। फर्स्ट एग्जाम्पल में स्टॉक हम लेंगे क्लोजिंग स्टॉक 700, ठीक है, तो जो 100 का लॉस है वो अलग से रिकॉर्ड करना होगा या उसका इफेक्ट खुद ही एडजस्ट हो जाएगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा, एडजस्ट हो जाएगा, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, या अलग से, नहीं अलग से उसको लॉस लिखकर माइनस करना होगा या ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट हो नहीं जाएगा, लॉस रिकॉर्ड नहीं करना पड़ेगा, लॉस रिकॉर्ड नहीं करना होगा, खुद ही एडजस्ट होगा, कैसे होगा देखें, कॉस्ट है हमारी 800, एनआरवी 700, अब आपने स्टॉक को ले रहे हैं लोअर पे, क्लोजिंग स्टॉक आपका कम हो गया। अच्छा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की कैलकुलेशन क्या होती है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आती है ना। अब क्लोजिंग स्टॉक आप ले रहे हैं लोअर पे तो इससे आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पे क्या इफेक्ट आएगा, कम बढ़ जाएगी, क्लोजिंग स्टॉक कम होने से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इंक्रीज हो जाती है, होप क्योंकि आखिर में क्लोजिंग माइनस होता है ना, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। अब क्लोजिंग स्टॉक अगर ज्यादा है, ज्यादा अमाउंट माइनस करेंगे तो कॉस्ट कम आएगी, क्लोजिंग स्टॉक कम है, कम वैल्यू माइनस करेंगे तो कॉस्ट ज्यादा आ जाएगी, स्टॉक कम होने का मतलब कॉस्ट बढ़ गई, स्टॉक ज्यादा होने का मतलब कॉस्ट आपकी कम, तो स्टॉक को जब आप लोअर पे लेंगे तो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इंक्रीज होगी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इंक्रीज होगी तो प्रॉफिट आपका खुद ही डिक्रीज हो जाएगा, वो जो 100 का लॉस है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होगा, उसको अलग से रिकॉर्ड नहीं करना। अच्छा ये मैं आपको एक मिनट बता देता हूँ, लिख कर अभी समझ में नहीं आया, कंफ्यूजन।
बात कर रहे लॉस रिकॉर्ड होगा, ये इफेक्ट खुद एडजस्ट हो जाएगा। तो देखिए कैसे एडजस्ट होगा, एक एग्जांपल लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक सपोज कर लें 5,000 है हमारा, परचेजेस हमने की 50,000 की, टोटल हो गया आपका 55। और क्लोजिंग स्टॉक माइनस होगा, क्लोजिंग स्टॉक सपोज 3,000 है आपका, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 52। ठीक है, ये ओरिजिनल फिगर्स होंगे। अब हम फर्ज करते हैं ओपनिंग वही रखते हैं, परचेजेस सेम, टोटल सेम, अब क्लोजिंग स्टॉक को कम कर दें 3 की जगह 2,000। अब आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी आएगी, 3,000 होगी। क्लोजिंग स्टॉक प्लस ऐसा होता है। क्लोजिंग चलो कह सकता हूँ मैं, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या हो रही है, इंक्रीज हो गई। ठीक है, स्टॉक कम होने से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इंक्रीज होगी। ओपनिंग स्टॉक का मतलब प्रॉफिट का, सिर्फ आपने 5,000 खर्च कर दिए। ठीक है, अच्छा अब क्लोजिंग स्टॉक क्या था, 3 था ना, 3,000, इसको हम 4,000 कर देते हैं इंक्रीज। अब आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कम हो गई। ठीक है, तो स्टॉक अगर कम होगा डिक्रीज तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इंक्रीज होगी, स्टॉक इंक्रीज होगा क्लोजिंग स्टॉक तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिक्रीज होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अगर हम अपने स्टॉक को लोअर पे लेंगे उससे हमारी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इंक्रीज होगी, प्रॉफिट आपका डिक्रीज हो जाएगा, तो 100 का लॉस जो है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा, अलग से रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं। ठीक है, राइट। तो देखिए अगर यहाँ पे स्टॉक को हम 900 पे लेंगे तो स्टॉक इंक्रीज होगा, कॉस्ट डिक्रीज होगी तो प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा, तो प्रॉफिट आपका ऐड हो रहा है ना। तो प्रूडेंस क्या कहता है कि गेन जब तक रियलाइज ना हो उसे रिकॉर्ड ना करें, इसलिए हम 900 नहीं लेंगे, फिर 800 लेते हैं। ठीक है, तो अभी रूल समझ आ गया लोअर ऑफ कॉस्ट पे क्यों लेते हैं। ठीक, तो रीजन क्या है लोअर पे लेने की, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। ओके, एंट्री क्लियर, फंडामेंटल प्रिंसिपल क्लियर हो गया, एनआरवी क्लियर हो गया। देखिए एनआरवी तो हमने कैलकुलेट कर ली, ये इसकी कैलकुलेशन हो गई ना, सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेंसेस नेसेसरी टू मेक सेल। अच्छा, जो हमारे क्लोजिंग स्टॉक होता है उसकी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, अब पूरा साल हम गुड्स बाय कर रहे हैं सेल कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं सेल कर रहे हैं, तो ईयर एंड पे जो स्टॉक बचेगा उसकी कॉस्ट किस तरह कैलकुलेट होगी। सपोज कर लें कि ये एक एग्जाम्पल है, आपने 1,000 यूनिट्स बाय की एट द रेट 10, तो 1,000 या 1,200 यूनिट्स बाय की एट द रेट 12, 1,500 यूनिट्स बाय की एट द रेट 13 ईच, 3,000 यूनिट्स आपके सोल्ड हो गए, स्टॉक बच गया 700। अब 700 की आपको कॉस्ट कैलकुलेट करनी, तो इसका क्या तरीका होगा, वही तीन मेथड्स हैं इसके ना, फीफो लीफो और एफओ। ठीक है, तो कॉस्ट कैलकुलेट करने के तीन मेथड्स हमारे पास, फीफो लीफो एफओ एवरेज कॉस्ट। ठीक है, अच्छा ये तीन मेथड्स हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट और एवरेज कॉस्ट। अच्छा ये तीन मेथड्स थे, अब दो यूज होते हैं। ठीक है, वहां आपने पढ़े होंगे MA2 में, MA1 में, वहां तीन होते हैं, यहाँ पे दो यूज होंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग। यहाँ पे यूज होंगे दो मेथड सिर्फ, फीफो और एफको, लीफो मेथड यूज नहीं होता। अभी याद रखना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में लीफो मेथड यूज नहीं होता। जब क्यों नहीं होता, इसकी रीजन क्या है, इसको इस एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, अब हमारे पास देखिए 700 यूनिट्स हैं स्टॉक में, इनकी कॉस्ट कैलकुलेट करनी है फीफो मेथड से, तो आप क्या करेंगे, फीफो होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो 700 किसमें से बचेंगे, लास्ट, यानी कि 1,500 में से, और 1,500 का रेट है 13, तो 700 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 13 से, तो क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा आपके पास 9,100। अच्छा लीफो यूज करें तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो 700 किसमें से बचेंगे, ऊपर 1,000 में से, और इसका रेट है 10, तो 700 को मल्टीप्लाई करें 10 से, तो क्लोजिंग स्टॉक आएगा 7,000। बाकी एफको में जो इन दोनों का एवरेज होगा, 9,000 से ज्यादा कम और 7,000 से ज्यादा होगा, एवरेज आ जाएगा। अच्छा देखिए, अब इसमें फीफो और लीफो की अगर बात करते हैं, तो फीफो से हमने एक क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट किया 9,100, तो ये जो 9,100 है वो करंट मार्केट वैल्यू को रिफ्लेक्ट कर रहा है, एज पर करंट मार्केट वैल्यू इस पर क्या है आपकी 13 है, करंट मार्केट वैल्यू 13 है, 10 तो आपके स्टार्ट में थी, जब फर्स्ट टाइम आपने जनवरी में स्टॉक बाय किया होगा उस वक्त आपकी कॉस्ट थी 10 पर यूनिट, आज मार्केट रेट क्या है
पर यूनिट। तो फीफो मेथड देखें, जो हमने स्टॉक कैलकुलेट किया ये करंट मार्केट वैल्यू को रिफ्लेक्ट कर रहा। कैश पर करंट मार्केट वैल्यू आपका क्लोथिंग स्टॉक कितना है 9,100 का, जबकि लीफो में देखें क्लोथिंग स्टॉक 7,000, ये करंट मार्केट वैल्यू को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, ये आउटडेटेड स्टॉक बता रहा है। वो जनवरी का जो रेट था आपका ईयर स्टार्ट का, उस रेट के मुताबिक स्टॉक कितना है 7,000। तो ये रीजन है कि अब हम लीफो मेथड यूज नहीं करते, क्योंकि ये अपडेटेड स्टॉक नहीं देता, आउटडेटेड स्टॉक बताता है, और फीफो मेथड आपको अपडेटेड स्टॉक देता है ना। कैश पर करंट मार्केट रेट आपका स्टॉक कितना है, तो इसके अब सिर्फ फीफो मेथड यूज होगा, लीफो यूज नहीं करता। बाकी एफको जो है वो एवरेज होता है ना, बिल्कुल वो करंट अपडेटेड स्टॉक बताएगा ना बिल्कुल आउटडेटेड, इसलिए एफको मेथड जो है वो एक्सेप्टेबल है, वो यूज कर लेते हैं। तो बेस्ट मेथड कौन सा हुआ? फीफो बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि इससे जो क्लोजिंग स्टॉक निकलेगा वो करंट मार्केट वैल्यू को रिफ्लेक्ट कर। सर, इसमें पीरियोडिक चलता है, कंटिन्यू नहीं होता। ओके, अब क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन वन टू तो है वही फीफो लिफो एफ को, ये तो आप लोग कर लेंगे ना, काफी प्रैक्टिस हो गई है, दोनों होते हैं। अरे इतने लेंथी क्वेश्चन आते नहीं, क्वेश्चन तो छोटे छोटे जाते पीरियोडिक होता है ना, इसमें सारे साथ पीरियड निकालेंगे। हां है, परपेचुअल होता है, कंटिन्यूअस। अच्छा, क्वेश्चन नंबर थ्री से हम स्टार्ट करेंगे। राइट, कह रहे थे गुड्स परचेज फॉर $1,000 रिक्वायर्ड ऑफ फर्दर एक्सपेंडिचर ऑफ 30 इन गेटिंग इट रेडी फॉर एंड देन सेलिंग इट। If it is expected that selling price is 140, find NRV. NRV, NRV NRV. वही 110, होगा ठीक है, प्रॉफिट इसका प्रॉफिट, थोड़ी बहुत लेकिन 100 लेख प्रॉफिट। एक सर बताओ, मैं पहले से हो गया है ना, बेचे गए एनआरवी कैलकुलेट करनी, एनआरवी होती है सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेंसेस नेसेसरी टू मेक सेल। एनआरवी आ जाएगी कितनी, 110, ठीक है, 110 हो गई एनआरवी। क्वेश्चन नंबर फोर, करेंगे इसमें सिर्फ एनआरवी फाइन, स्टॉक सिर्फ एनआरवी फाइन करनी है ना, स्टॉक फाइन नहीं करना, क्लो इन्वेंट्री एनआरवी। अच्छा, देयर आर थ्री पेंटिंग इन इन्वेंट्री एट 30th नवंबर। अच्छा फर्स्ट, अच्छा ये थ्री इन्वेंट्रीज हैं, कैलकुलेट यहाँ पे अब क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करते हैं। ठीक, अब ये किस तरह होगा, इसमें हम बनाएंगे तीन कॉलम, थ्री कॉलम्स और आते हैं कॉस्ट का, एक एनआरवी और एक आपका वैल्यूएशन का आ जाएगा। अब थ्री पेंटिंग्स हैं, कोई आर्टिस्ट है, फर्स्ट पेंटिंग है, लिख लेते हैं पेंटिंग। फर्स्ट फर्स्ट वॉज बॉट एट अ कॉस्ट ऑफ 700, इसकी कॉस्ट आ गई। It will need to be reframed at a cost of 150. Expected selling price is 1,000. तो NRV क्या होगी इसकी? 850। 1,000 minus 150, 850 आ गई। NRV आ गई 850। अच्छा, वैल्यू किस पे करें इसको? ये कॉस्ट और NRV में लोअर क्या है? कॉस्ट लोअर है, जैसे हम वैल्यू करेंगे कॉस्ट। अब आ जाए पेंटिंग, द सेकेंड वॉज बॉट फॉर 850, ये तो गई कॉस्ट। इट इज अ सर्टिफाइड ओरिजिनल वर्क बाय एन इंक्रीजिंगली पॉपुलर आर्टिस्ट, अदर सिमिलर पेंटिंग्स बाय दिस आर्टिस्ट आर करेंटली सेलिंग फॉर ओवर 2,500। ये तो हो गई सेलिंग प्राइस। अच्छा, अब इस पे एक्सपेंस कोई नहीं दिया हुआ, कोई एक्सपेंस नहीं, तो यही इसकी एनआरवी हो जाएगी। तो जरूरी नहीं हर बार कोई एक्सपेंडिचर हो, जिसमें लोअर है 850, तो इसे हम वैल्यू करेंगे 850 पर। ठीक, थ्री थर्ड पेंटिंग वॉज बॉट फॉर 900, कॉस्ट हो गई। सिमिलर कॉपीज आर करेंटली सेलिंग बीइंग सोल्ड फॉर 400 सेलिंग प्राइस, एक्सपेंस कोई नहीं है।
यही इसकी एनआरवी होती है। दोनों में लोअर क्या है, 400, तो इसको वैल्यू करेंगे एनआरवी पे 400, और अब इन तीनों का सम कर लेते हैं तो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक आ जाए। तीनों का सम 1950, तो ये हमारे पास आ गई क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट दोनों जगह क्या आएगी, क्लोजिंग इन्वेंट्री लेंगे आप 1950, ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, अ फर्म बाइज एंड सेल्स टू प्रोडक्ट्स पी एंड क्यू, द फॉलोइंग यूनिट कॉस्ट आर अवेलेबल। ठीक है, द परचेज कॉस्ट, डिलीवरी कॉस्ट फ्रॉम सप्लायर, डिलीवरी कॉस्ट टू कस्टमर, पैकेजिंग कॉस्ट, सेलिंग प्राइस। अच्छा, अब ये डिलीवरी कॉस्ट फ्रॉम सप्लायर, जिसको यानी कि ये तो हो गया कैरेज इनवर्ट, डिलीवरी कॉस्ट टू कस्टमर कैरेज आउटवर्ट, ये एक्सपेंस हो गया आपका। अच्छा, तो डिलीवरी कॉस्ट टू कस्टमर ये सेलिंग एक्सपेंस हुआ, पैकेजिंग कॉस्ट सेलिंग एक्सपेंस होगा या कॉस्ट में ऐड होगा, कॉस्ट में ऐड करेंगे, पैकेजिंग को ऐड करें आप कह रहे हैं, नहीं ये भी हमारा सेलिंग एक्सपेंस। अच्छा, कॉस्ट में ऐड क्यों करें आप, क्यों कह रहे हैं भाई? हाँ देखिए, वो होता है पैकेजिंग कॉस्ट जब आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, यहाँ पे हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, बाइंग सेलिंग। ऊपर क्या लिखा है, आर फर्म्स बाय एंड सेल टू प्रोडक्ट, तो यहाँ बाइंग सेलिंग हो रही है, ट्रेडिंग हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही। ठीक है, तो आपको तो फिनिश गुड्स मिलेंगे ना एज इट इज, तो आपने सेल करना है, तो सेल करते वक्त आप उसको पैक कर रहे हैं, आप किसी बॉक्स में है, किसी कार्टन में या शॉपर में जो भी है, तो वो आपका सेलिंग एक्सपेंस, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस ही नहीं है ना हमारा, ट्रेडिंग बिजनेस है, तो ट्रेडिंग बिजनेस से पैकेजिंग कॉस्ट आपका सेलिंग एक्सपेंस होगा, कॉस्ट नहीं होगा। सही, हाँ अगर मैन्युफैक्चरिंग होती है तो वहां पैकेजिंग उसमें ऐड हो जाती है, तो नहीं होती। ठीक, तो डिलीवरी कॉस्ट टू कस्टमर और पैकेजिंग कॉस्ट दोनों क्या आपके सेलिंग एक्सपेंस, और ये डिलीवरी कॉस्ट फ्रॉम सप्लायर ये आपके कॉस्ट, ये आपका कैरेज इनवर्ड है, ये परचेज प्राइस में ऐड हो जाए। अब इसमें इसी तरह से सॉल्व होगा, हेडिंग से यहां से कॉपी कर, दो प्रोडक्ट्स हैं पी एंड क्यू, प्रोडक्ट पी प्रोडक्ट क्यू। ओके, प्रोडक्ट पी की कॉस्ट क्या होगी, अब देखिए परचेज कॉस्ट है 100, डिलीवरी कॉस्ट फ्रॉम सप्लायर 20, टोटल कॉस्ट हो गई 120। एनआरवी कैलकुलेट करते हैं, सेलिंग प्राइस है 150, माइनस करें 15 पैकेजिंग कॉस्ट और 22 डिलीवरी कॉस्ट टू कस्टमर, तो 37 माइनस होंगे, क्या गया वन वन थ्री आपकी एनआरवी आ गई। अब दोनों में लोअर क्या है, 113, तो उसको वैल्यू कर लेंगे 113। प्रोडक्ट क्यू, परचेज कॉस्ट 200, डिलीवरी कॉस्ट फ्रॉम सप्लायर 30, टोटल कॉस्ट 230। एनआरवी कैलकुलेट करते हैं, सेलिंग प्राइस 300 है, माइनस पैकेजिंग कॉस्ट 18, माइनस डिलीवरी कॉस्ट टू कस्टमर 40, तो 58 लेस करेंगे 242 एनआरवी आ जाएगी। अब दोनों में लोअर क्या है, कॉस्ट, कॉस्ट लोअर है तो इसे वैल्यू करेंगे कॉस्ट पे। इसके बाद इसका सम करते हैं 343 आपके पास क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। ठीक, ये आ गया क्लोजिंग स्टॉक, इसमें लोअर है ना, हाँ लॉस हो रहा है, ये प्रॉफिट में है। नंबर 6 में 3 प्रोडक्ट्स हैं एबीसी। अच्छा, आखिर में इनके यूनिट्स भी दिए हुए, यूनिट्स को हम यूज करेंगे आखिर में, पहले हम यूनिट पर यूनिट बेसिस पे कैलकुलेशन कर लेते हैं, आखिर में टोटल यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, प्रोडक्ट ए की कॉस्ट है 20, इसमें कोई एक्सपेंस नहीं है 20। एनआरवी कैलकुलेट करेंगे, सेलिंग प्राइस है 30 माइनस मार्केटिंग कॉस्ट 7, तो 30 माइनस 7 23 एनआरवी,
इसमें लोअर है आपका 20, कॉस्ट लोअर है तो इसको वैल्यू करेंगे कॉस्ट में 20। प्रोडक्ट बी कॉस्ट है इसकी 9, सेलिंग प्राइस 12, इसमें से माइनस होगी मॉडिफिकेशन कॉस्ट टू इनेबल सेल 12 और मार्केटिंग कॉस्ट 2, ठीक है। तो 12 माइनस 2 4, 8 एनआरवी आ गई। इनमें लोअर क्या है एनआरवी, तो वैल्यू करेंगे इसको 8 में। प्रोडक्ट सी की कॉस्ट है 12, सेलिंग प्राइस 22, माइनस करेंगे मॉडिफिकेशन कॉस्ट 8, मार्केटिंग कॉस्ट 2, 12 आरवी आएगी। तो दोनों इक्वल हैं तो 12 पे वैल्यू कर दी। अब इसमें हमें यूनिट्स भी दिए हुए थे ना, अब हमने यूनिट निकाल लिया, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। प्रोडक्ट डी के यूनिट से 200 मल्टीप्लाई करें 200 से 1000। प्रोडक्ट डी के यूनिट्स हैं 150, मल्टीप्लाई करते हैं 150 से कितना रहे 1200 1200। प्रोडक्ट सी के यूनिट्स हैं 300, मल्टीप्लाई करें 300 से तो 3600। तीनों का सम कर लेते हैं 8800 क्लोथिंग स्टॉक आ जाए, क्लोथिंग स्टॉक 8800। क्वेश्चन नंबर 7, 7 में क्या है रिक्वायरमेंट, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड करनी है गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ओपनिंग स्टॉक है, क्लोथिंग स्टॉक, परचेज है, कैरेज, आउटपुट। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट करनी है। हाँ, तो डायरेक्ट हमें इसमें वैल्यूज दी हुई हैं तो शायद कैलकुलेशन होगी। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की कैलकुलेशन क्या होती है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, ठीक है। और इसमें फिर कैरेज इनवर्ट ऐड होता है, परचेज रिटर्न लेस करते हैं, क्लोथिंग स्टॉक लेस करते हैं। अच्छा, यहाँ इन्होंने दिया हुआ है कैरेज आउटवर्ड, इनवर्ड ऐड होता है ना, कैरेज आउटवर्ड ऐड नहीं होता। कैरेज आउटवर्ड आपका सेलिंग एक्सपेंस, ठीक। तो ये तो इग्नोर करेंगे इसको। हाँ, अब देखिए परचेज, ओपनिंग स्टॉक लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट है 675, एनआरबी है 625। लोअर क्या है इसमें 625, तो ओपनिंग स्टॉक हम लेंगे 625। परचेजेस ऐड करते हैं तो परचेजेस एट कॉस्ट आफ्टर डिस्काउंट 9645। दोनों को ऐड कर लेंगे तो आपके पास आएगी गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ जाएगी। 10,200 ठीक है, इसको ऐड करते हैं, क्लाइंट को करते हैं 10,207। इसमें से आप क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे, क्लोथिंग स्टॉक में कॉस्ट है 12,45, एनआरवी 1,300, तो कॉस्ट लोअर है तो कॉस्ट लेंगे इसके 12,45 माइनस करें, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगी आपके पास 9,025 कॉस्ट ऑफ गुड 25।25। ये हो गया क्वेश्चन 7 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8, एक हैरो हैरो लिमिटेड सेल्स वन लाइन ऑफ स्टॉक एट द एंड ऑफ एट द ईयर एंड, एट द ईयर एंड हैव, अच्छा ये ऐड यहाँ गलत आ गया, एट द ईयर एंड हैव 200 यूनिट्स इन स्टॉक व्हिच ओरिजिनली कॉस्ट 10 पर यूनिट एंड हैड इनकर्ड डिलीवरी कॉस्ट ऑफ 120 इन टोटल। यहाँ दे एक्सपेक्ट्स Expect these goods to sell for 130 13 per unit. Hero Limited incurred selling cost amounting 10% of the selling price on all its sale. In the balance sheet, these items could be valued at. Clothing stock निकालना, ठीक है। पहले इसकी cost calculate कर लेते हैं, फिर NRV और उसके बाद valuation हो जाएगी। Cost calculate करते हैं, कितने यूनिट्स हैं आपके, 200 यूनिट्स हैं पर कॉस्ट है 10 पर यूनिट, 120
100 into 10, 2000 कॉस्ट आ गई। उसके बाद इसमें हेड एंड का डिलीवरी कॉस्ट 120 है, ऐड कर लेंगे डिलीवरी कॉस्ट 120, इसकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी आपके पास 2120। डिलीवरी कॉस्ट आ गई। क्या आप एनआरवी कैलकुलेट करेंगे? तो इसकी सेलिंग प्राइस, मेंशन है खरीदते वक्त बता रहा है ना, यूनिट इन स्टॉक कॉस्ट एंड इनकर डिलीवरी कॉस्ट ऑफ 120 इन टोटल, इस सेल के बाद नीचे कर रहे हैं, तो ये कैरेज इनवर्ट होगा 120। द सेलिंग प्राइस है 13, क्योंकि द यूनिट कितने थे हमारे 200 इंटू 13, 3600 सेलिंग प्राइस हो गई। के बाद सेलिंग एक्सपेंस कितने है इसके, 10% है ना, सेलिंग एक्सपेंसेस से दिए हैं 10% ऑफ सेलिंग प्राइस, तो 2600 का 10% 260, इसकी एनआरवी आ जाएगी हमारे पास 2340 एनआरवी। क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू करना है हमें, कितने पे करेंगे भाई क्लोजिंग स्टॉक? दोनों में लोवर गए, कॉस्ट लोवर है तो स्टॉक हम वैल्यू करेंगे कॉस्ट पे 2120।